नमस्कार, आज हम सिखों के गुरु के बारे में जानेंगे। सिख धर्म। पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ शिष्य होता है। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा की गई थी, इसलिए गुरु नानक जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। जन्म स्थल इनका रावी नदी के तट पर पाकिस्तान स्थित श्री ननकाना साहेब में खत्री कुल में हुआ था। इनका ज्ञान प्राप्त हुआ कालीबेन नदी के किनारे। इनके उपदेशों का संकलन गुरु अर्जुन देव के आदि ग्रंथ के जपजी में संकलित है। मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में करतारपुर डेरा बाबा नामक स्थान पर हुआ और ये अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य लहना को बनाया, जो गुरु अंगद के नाम से जाने गए। लंगर व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने ही किया था। दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किए। लंगर व्यवस्था को इन्होंने अस्थाई बना दिए, जिन्होंने गुरु नानक ने शुरू किया था। गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद ने ही लिखी थी। तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। सिखों के लिए नई विवाह पद्धति लवन को प्रारंभ किए थे इन्होंने। अकबर ने इनके पुत्री बीबी भानी को सम्मान स्वरूप कुछ गांव प्रदान किए थे। चौथे गुरु हुए गुरु रामदास। बीबी भानी के पति रामदास हुए, जिसने अकबर द्वारा दान दिए हुए भूमि पे अमृतसर नामक जलाशय खुदवाए और अमृतसर नामक नगर की स्थापना किए। इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरुपद को पैतृक बना दिए। गुरुपद का पैतृक गुरु रामदास ने बना दिए। गुरु अर्जुन देव सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की। हरमंदिर साहिब, जो स्वर्ण मंदिर कहलाता है, का निर्माण करवाया। हरमंदिर साहिब का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था और लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने कठोर यातना देकर 30 मई 1606 ईस्वी में बंदी गृह में मार डाला गुरु अर्जुन देव को। छठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद, जिन्होंने 12 फीट अकाल तख्त साहिब का निर्माण करवाया। अकाल तख्त साहिब का अर्थ होता है अनंत सिंहासन या ईश्वर का सिंहासन। इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। लड़ाकू जाति के रूप में सिखों को परिवर्तित करने का कार्य किया और अमृतसर को किलेबंदी करवाई। अब है गुरु हर राय। शाहजहाँ के पुत्रों के उत्तराधिकारी में दारा सिखों के पक्षधर थे गुरु हर राय। गुरु हर किशन, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। गुरु हर किशन के बाद गुरु तेग बहादुर बने, जो 1664 से 1675 ईस्वी तक रहे। गुरु हर गोविंद के वो पुत्र थे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दिया। इन्होंने आनंदपुर नामक नगर बसवाया। गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनके बाद गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया गया। गुरु ग्रंथ साहब जिसने अंगद ने लिखा था। खालसा, जिसका अर्थ है शुद्ध पंथ की स्थापना, जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। सिखों के लिए 5 ककार, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपान को अनिवार्य कर दिया। इन्होंने पाहुन नामक त्यौहार चलाया। इनकी आत्मकथा विचित्र नाटक है। 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र नामक स्थान पर एक पठान गुल खान ने इनकी हत्या कर दी और गुरु गोविंद सिंह ने पुरुष सिखों के सिंह और महिला सिखों को कौर नामक टाइटल धारण करने को कहा। थैंक।